और कन्वेंशनल दोनों एक साथ ले रहा है। डेट इसकी शायद बीच में निकाली थी, फिर अभी पोस्टपोन कर दिया है ना? नहीं सर, वो 7 सितंबर है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, तो मे बी कि अब नवंबर दिसंबर मिले शायद। अच्छा, तो जो जैसे ईएससी में होता है वैसे ही शेड्यूल्ड है, मतलब पहले होता था जैसे ऑब्जेक्टिव होता पहले दिन, फिर मेंस होता अगले दिन। हाँ, जब पहले दिन उसका जीके जीएस वाला है 200 नंबर का, और उसके बाद दूसरे दिन पेपर वन पेपर टू सेम ईएस का पैटर्न है। अच्छा। और 400 नंबर का, और उसके बाद तीसरे दिन सब्जेक्टिव है पेपर वन पेपर टू। अच्छा, पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस मतलब ओवरऑल लगभग लगभग वही होगा जो ईएससी का होगा? हाँ, सेम ईएससी का है, सिर्फ वो अर्थक्वेक शायद नहीं है उसमें। हाँ, अर्थक्वेक और वो जो मतलब कुछ टॉपिक्स नहीं है बट लगभग सेम है ईएस। अच्छा, ओके। तो अभी तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब क्या फॉलो कर रहे हो अभी प्रैक्टिस के लिए? अभी तो सर आपका टेस्ट दे रहे थे तो कुछ टेस्ट तो ठीक गया सर, लेकिन मतलब कुछ टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब गया। तो सोचे कि ऐसे स्टडी मटेरियल जो था आईएएस मास्टर का, वो तो रीडिंग डाले नहीं थे अभी तक। हाँ, हाँ। तो सोच रहे थे कि वो रीडिंग एक बार कर लेते हैं और उसके बाद आपका टेस्ट लगाएंगे। हाँ। तो दिक्कत क्या आ रहा था कि जैसे आपका वीडियो देखे कि मतलब 2-3 सब्जेक्ट मिक्स कर करके मतलब पढ़ना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे तो जैसे ठीक है, रूटीन बनाए थे कि बुकलेट पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव लगाएंगे, तो सर इसमें हो क्या रहा था कि बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा था, जैसे 6-7 दिन 8 दिन तक जा रहा था। जैसे बीएमसी है तो बीएमसी का थोड़ा सा मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ना और उसके बाद सब्जेक्टिव लिख लिख के करना, तो उसमें तो सर 8 दिन से ज्यादा लग गया। नहीं नहीं, देखो जो मैंने उस पर बताया उसमें बताया ना, वो टोटली मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उनके लिए आप पढ़ रहे हो वो उसके लिए सही था, ठीक है। बट तुम अगर मेंस भी पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। चेंज इस तरह करना पड़ेगा कि देखो मेंस में जो अप्रोच रहती है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिनसे जो मेजर वेटेज होता है वो थ्योरी पार्ट का होता है ना। जैसे अगर बिल्डिंग मटेरियल्स देखोगे तो उसमें 80-90% तो तुम्हारा थ्योरी पार्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर तुम सोम देखोगे, सोम से 95% तुम्हारा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो उस केस में जहां पर तुम्हारा कन्वेंशनल की भी प्रिपरेशन तुम साथ साथ कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हें डायरेक्टली बुक पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। मतलब जब तुम सब्जेक्ट चेंज करने वाला जो मैंने बताया कंसेप्ट वो कर रहे हो, तो उसमें बुक मत पढ़ो उस पीरियड में। उसमें उस पर्टिकुलर चैप्टर के सपोज आपने 3 सब्जेक्ट लिए, स्वयल ले लिया, सोम ले लिया और आपने हाईवे ले लिया, ठीक है। तो स्वयल का आप अगर बुक से फॉलो कर रहे हो, हेलो, हाँ सर, तो अगर बुक से फॉलो कर रहे हो तो आप स्वयल के चैप्टर वाइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक्स, उनको आप बुक से उनके जो क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन हैं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी होते हैं, तो पहले फेज में आप सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं उनको खत्म कर लो, है ना, रादर देन कि उनका चैप्टर थ्योरी पढ़ते हुए। थ्योरी आप वहां पर पढ़ो जहां आपको डाउट लग रहा है ना। लेकिन सर जैसे कुछ सब्जेक्ट में बीएमसी हो गया, नहीं, वो, हाँ ये तो मैंने बताया जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तुमने सिलेक्ट किए, लेकिन जो सब्जेक्ट तुम्हारे थ्योरी पार्ट का लेंगे, थ्योरी जिसमें पूछी जाती है, वो आपको रेगुलर पढ़ना है। आप टाइम फिक्स कर लो कि मुझे 1 आवर डेली बीएमसी पढ़ना है, ठीक है, जो भी तुमने थ्योरी पार्ट, और सारे थ्योरी सब्जेक्ट एक साथ लेकर मत चलो, ठीक है। जैसे अभी मतलब, हाँ, जैसे एक थ्योरी सेलेक्ट कर लिए तो एक न्यूमेरिकल टाइप। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लेकिन आप बोल रहे हैं कि जैसे बुकलेट में जो न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ तो सर ईएस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करने के बाद ही तो टाइम नहीं बच रहा है, तो ये बताओ ईएससी मेंस का तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्या बुकलेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, या ईएस का प्रीवियस ईयर कर रहे हो? वो जो ईएस का प्रीवियस ईयर है वही। अच्छा, ओके। तो अब मैं तुमको भी तो सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग जैसे सोम से लगभग 150 हो जाते हैं, उसके बाद स्वाइल 180 हो जाते हैं, उसके बाद उतना तो सफिशियंट ही है लगभग। नहीं, मैं समझ गया क्या दिक्कत आ रही है। मतलब तुम कह रहे हो कि टाइम कम है
और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा है, ये कह रहे हो ना? यस सर, जैसे होता क्या है कि जैसे बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो उसका तो हर एक लाइन ही इम्पोर्टेंट लगने लगता है, जैसे मेंस में ये मतलब उसमें तो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल लिखना रहता है, तो जैसे बीएमसी मान लीजिए कंप्लीट हो गया और उसके 10 दिन बाद लगने लगता है कि कुछ याद ही नहीं है उसमें। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट, पहले तो देखो तुम अपना सिलेबस उठाओ, ठीक है, उसको अभी जो तुम बता रहे हो मेरी पहले पूरी बात सुन लेना, फिर मैं तुम्हें जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले सिलेबस उठाओ एक बार, ठीक है, उसमें ये आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और कुछ जो जनरली 70% सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, 30% सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे थ्योरी पार्ट आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, ठीक है। फिर जो तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं, हेलो, हाँ, जहां से तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है उनको क्या करो, अपने जो प्रैक्टिस तुम्हारे क्वेश्चन सोर्स क्या है प्रैक्टिस का, तुम जो ईएससी के प्रीवियस ईयर वो कर रहे हो ना? बस वही सिर्फ प्रीवियस ईयर। अच्छा ओके, तो अच्छा तुमने जो प्रीवियस ईयर पेपर है एक बार क्या करो, उनके पास तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दिए हुए हैं? क्या क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक में इसमें जिसमें मतलब प्रीवियस ईयर एक पेपर में सारे क्वेश्चन कंपाइल होते हैं जैसे एक्चुअल पेपर आता है? नहीं वैसे नहीं, ये तो चैप्टर वाइज है, जैसे सोम का फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, वो तुम्हें नेट पे मेरे ख्याल से मिल जाएगा, ठीक है, या यूपीएससी की साइट पे भी मिल जाएगा। लास्ट फाइव ईयर अनसोल्ड, हाँ अनसोल्ड, लास्ट फाइव ईयर का भी देख सकते हो, तुम्हारा ये 1 से 2 आवर वेस्ट होगा, ठीक है। नहीं जेपीएससी का भी तो होगा लेकिन तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर असिस्टेंट इंजीनियर। नहीं सर, जेपीएससी क्या करता है कि डायरेक्ट ईएस का क्वेश्चन पूछ देता है जैसे उसका प्रीवियस ईयर देखने से लगा। अच्छा ओके ठीक है, ठीक है ओके। तो सिर्फ इतना काम करो, तुम ईएस के प्रीवियस ईयर मत देखो, मतलब जो मैं कंप्लीट पेपर बोल रहा हूँ, तुम जेपीएससी का पेपर देखो, ठीक है, क्योंकि उनका तो पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, क्वेश्चन तो वो उठाता होगा सेम बट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा पूछने का, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख, उसमें ये आइडेंटिफाई कर लो कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट पूछ रहा है वो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितने कितने परसेंट तुम्हारा वो वेटेज है उसका सब्जेक्ट का, या सेम ही वेटेज है जो ये इसमें जैसे पूछता है रैंडमली चेंज करता रहता है। लेकिन सर उसका पेपर तो एक ही बार लिया है वो 2013 में, और उसके पहले का ना रिकॉर्ड है और उसके बाद तो लिया ही नहीं है, तो एक अच्छा कैसे डिसाइड कर? नहीं एक पेपर से नहीं डिसाइड कर, मुझे लगा हार्डली 4 to 5 years का होगा, बट अगर एक साल का है तो फिर उसको एक बार देख लो, तो फिर तुम ईएस पे ही आ जाओ, ठीक है, ईएस के क्वेश्चंस के लिए। तो ईएस के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुमने जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको दो कैटेगरीज में रखो। एक ये कैटेगरीज में रखो कि एक क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें पहली नजर में ही पता है कि ये आ जाएंगे मेरे से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे, जैसे सोम के हर कोई मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है कैसे बनाना है आपको, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और जो सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन है उन पर टाइम वेस्ट मत करो, सपोज जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिसमें स्वे भी हो, ठीक है, आपका नॉर्मल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी हो, तो वो तो एक ऐसा क्वेश्चन उठाओगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब रिपीटेटिव टाइप छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ वो छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें फोकस इस चीज पर करना है कि तुम्हारे जो मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो, रेदर देन कि तुम एक ही नेचर के बहुत सारे क्वेश्चन कर लो, उससे अच्छा है कि कम क्वेश्चंस करो बट डिफरेंट उसके करो, ये अप्रोच रखो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ गए। सपोज अगर तुम कोई सब्जेक्ट उठाया, मान लो तो सबसे पहले मान लो तुमने 4 सब्जेक्ट उठाए, एक थ्योरी का उठा लिया, मतलब पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग मटेरियल्स ले लिया, सोम ले लिया, सोम स्ट्रक्चर एक साथ मत लो क्योंकि सेम नेचर का सब्जेक्ट है, तो मतलब वो सोम अगर मतलब 15-15, 20-20 दिन बाद रिपीटेटिव टाइप के लिए। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोनों चीजें बता रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो ना कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिस होने लगता है, जैसे 15 दिन कर लिया फिर दूसरा सब्जेक्ट करेंगे तो पहला सब्जेक्ट भूलने लगेगा, उसकी ट्रिक बता रहा हूँ। तो जैसे तुमने 4 सब्जेक्ट लिए इनिशियल फेज में, ठीक है,
तुमने प्रैक्टिस किया, मतलब जो थ्योरी वाला है वो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, ठीक है। थ्योरी में तो बस एक बार नजर मार लेना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो तुम उसमें से टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भले ही ईएस में हो या तुम्हारा जो लास्ट ईयर के एक दो साल के पेपर है तुम्हारे पास। क्योंकि बीएमसी में क्या है, कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके टॉपिक्स का लगभग फिक्स रहता है। जैसे टिम्बर के डिफेक्ट से पूछ सकता है, टिम्बर का ट्रीटमेंट प्रोसेस से, सीजनिंग से, उनके टॉपिक्स लगभग फिक्स हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये थ्योरी वाले पार्ट में ये आइडेंटिफाई करके रख लो कि किससे तुम्हारा क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है, जनरली, ठीक है। तो वो जब थ्योरी पढ़ोगे तो ये चीज तुम्हें थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में आइडेंटिफाई करके रखनी है। और जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें सपोज तुम सोम से स्टार्ट किया तुमने, ठीक है, पहला सब्जेक्ट जो न्यूमेरिकल तुमने लिया, उसमें तुम चैप्टर वाइज तुम कह रहे हो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में ना, चैप्टर वाइज दिए हैं, तो चैप्टर वाइज जो दिए हुए हैं उसमें एक ही चैप्टर के एक दिन में क्वेश्चन नहीं लगाने। ऐसा नहीं करना कि सपोज स्ट्रेस स्ट्रेन है तो तुम सारे क्वेश्चन स्ट्रेस स्ट्रेन के लगाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, मान लो चार चैप्टर्स हैं, तो सबके अगर वहां पर एक घंटा भी तुम डेली पढ़ रहे हो सोम, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो चारों चैप्टर के एक एक के दो दो क्वेश्चन उठा लो। 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम एक क्वेश्चन करने में। हाँ, एक क्वेश्चन तो 10-15 मिनट। हाँ, 10-15 यानी 5 से 6 क्वेश्चन तुम कर सकते हो एक घंटे में। तो मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, एक थियोरेटिकल और एक न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल का लगभग एक ही चैप्टर से नहीं बनाने हैं। क्या कह रहे हो? एक ही चैप्टर से नहीं, देखो थ्योरी की बात नहीं कर रहा मैं, थ्योरी का तो मैंने बता दिया कि टॉपिक्स जब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने साथ रखो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज टिम्बर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो टिम्बर का पैरेलली ये जब पढ़ रहे हो, थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो बुक से तो या नोट से पढ़ रहे हो, तो वो देखते चलो कि तुम्हारा क्वेश्चन ईएस में ही, अगर तुम ईएस वाले क्वेश्चन देख रहे हो आता है पेपर, तो ये तुम आइडेंटिफाई कर लो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे सीजनिंग होगा आपका, टिम्बर डिके होगा आपका, ट्रीटमेंट होगा, टिम्बर के डिफेक्ट्स होंगे, इस तरह अपने नो मतलब लिखते चलो कहीं पे, ठीक है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए। न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आप मान लो आपको स्टार्ट किया सोम, तो मेरा कहना ये है कि जो एक चैप्टर के 6 क्वेश्चन करने की बजाय तुम 4-5 चैप्टर के एक एक क्वेश्चन करो। मेरी बात समझे? यस सर। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन का एक क्वेश्चन किया, टॉर्जन का किया, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, एक थ्योरी ऑफ फेलर्स का कर लिया, ठीक है, तो उससे होगा क्या जब तुम 5-6 दिन बाद, क्योंकि एक दिन में तुम्हारा एक चैप्टर नहीं खत्म हुआ, वो चैप्टर तुम्हारा 4-5 दिन चलेगा, ठीक है, तो होगा क्या उससे तुम्हारा, तुम डेली उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के कंसेप्ट से तुम्हारा रिविजन होता रहेगा। कि जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन है, मान लो स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना है तुमको किसी क्वेश्चन में, तो वो तुम्हारे एक्लिमेटाइज होते रहेंगे एक तरीके से कि तुम देख रहे हो उस टाइप का क्वेश्चन। अगर तुम एक बार में खत्म कर दोगे स्ट्रेन, 5 दिन बाद तुम दूसरा वो टॉपिक पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें लगेगा यार मेरा उस दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ठीक है। सर ये तो जैसे न्यूमेरिकल का हो गया, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, उसमें एक साइक्लिक रिवीजन टाइप का बना लो, ठीक है। साइक्लिक रिवीजन टाइप का मतलब है कि जो तुमने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, ठीक है, मान लो 2 महीने जब पढ़ लोगे तो एटलीस्ट 2 थ्योरी के सब्जेक्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो तुमने कहीं नोट डाउन कर रखे होंगे ना कि ये टॉपिक्स, एक तो वो टॉपिक्स होंगे कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक वो टॉपिक्स होंगे जिनपे तुम्हें थोड़ा कम पता है, तुम भूल जाते हो, फ्रिक्वेंटली भूल जाते हो, ठीक है। या जैसे ब्रिक्स के टेस्ट, मान लो तुम्हें प्रोसीजर नहीं, जैसे वॉरपेज टेस्ट हो गया, जो और भी टेस्ट होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तुमने शॉर्टलिस्ट कर रखा है कि मुझे ब्रिक्स के टेस्ट देखने हैं एक बार, ठीक है। तो तुम अपनी वो अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से एक वो पीरियोडिसिटी फिक्स कर लो कि मेरे को जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया कम्प्लीट, 1 महीना पढ़ते रहे आप, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा डेली पढ़ोगे तो एक 1.25 महीने बाद आपका कम्प्लीट हो जाएगा,
ठीक है ना, तो जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्डिंग मटेरियल्स को छोड़ना नहीं है, समझे मेरी बात? छोड़ना कैसे नहीं है, जब आप दूसरा सब्जेक्ट थ्योरी का पढ़ रहे हो तो सपोज उसको वन वीक जब आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो एक हफ्ते बाद जो पहला सब्जेक्ट छोड़ रखा था आपने, उसको एक दिन या दो दिन आपको आपको एक घंटे का टाइम निकालना है और उसमें वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसपे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब रिवीजन टाइप का। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन में नहीं करोगे ये, तो तुम्हारा तीन महीने बाद वो बिल्डिंग मटेरियल भूल जाएगा, केवल उसका 10-20% तुम्हें याद रहेगा, फिर एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ये। और जो न्यूमेरिकल तुम प्रैक्टिस करने वाला जो अप्रोच बता रहा हूँ, तो वो इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लो कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो मान लो 100 questions हैं, तो 100 questions में तुम देखोगे ना अगर, तो 20 या 25 टॉपिक से ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे, 100 questions या 25 टॉपिक से ही 100 questions फ्रेम किए गए होंगे, मतलब सिमिलर नेचर कॉन्सेप्ट है उसके। हाँ, उसी के अराउंड घूमते रहता है। हाँ, तो तुम्हें जब तुम्हारी प्रिपरेशन जैसे जैसे एग्जाम से पास जाती जाएगी, तो तुम्हें अपने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेदर देन कि आप एक कंसेप्ट का 10 questions करो, वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस तो आप उतने ही प्रैक्टिस करोगे, तो एक्यूरेसी और जो तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, वो तो होती ही रहेगी, ठीक है। तो सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, मतलब पहले राउंड में मत करो, जैसे टाइम बचता है आप क्वेश्चन मार्क करके रख लो, ठीक है ना, उसमें वो कैटेगराइज कर लो क्वेश्चंस को, कि जब तुम सेकंड बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो जो क्वेश्चंस तुमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वही बनाने हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ ना बच्चे क्या करते हैं कि वो हर बार वो बुक खोलेंगे और हर बार वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है। जिस मान लो तुमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन का, और वो तुमसे पहली बार में ही बन गया, मतलब हो गया तुमसे, ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे ध्यान रखने की जरूरत है, उस क्वेश्चन को मार करके रख लो, ठीक है। तो जब दोबारा सेकेंड राउंड ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा केवल 30% क्वेश्चन होंगे जिन्हें तुम्हें प्रैक्टिस करने होंगे, जनरली यही रहता है, ठीक है। और सर उसमें जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव का जैसे क्वेश्चन बैंक बनाते हैं यूएससी का, जो नहीं आता है उसको डायरेक्ट मतलब नोट्स में लिख लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो क्या सर सब्जेक्टिव में उस चीज को कैसे करें? हाँ, कि अच्छा ओके, मतलब जैसे जो हाँ जो जैसे जो हाँ तो उसका तरीका जैसे तुम ये कह रहे हो ना कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बुक में दिया ही नहीं होता, और फिर हम उसको क्या करते हैं कि इसे हम एज अ फैक्ट वो अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं, तो सब नोट्स में ऐड कर लेते हैं, या मतलब दिया भी है तो लिख लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ था, ऐसे करके ऐसे बना देंगे, मतलब हाँ मतलब अपना एक मेथोडोलॉजी बना के लिख लेते हैं। लेकिन सर सब्जेक्टिव में दिक्कत यही आता है कि लिखे तो उसमें से क्या लिखे, जैसे बीच में सवाल का कुछ न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो उसमें से फैक्टर वगैरह एज्यूम कर लिया हुआ है, तो क्या वो सब भी लिख डाले कि इस तरह का? नहीं, देखो जो कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल एग्जाम होता है, उसमें डिजाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जब भी डिजाइन वाले क्वेश्चन आते हैं और जनरली डाटा पूरा नहीं दिया होता है, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिसिंग होगा या कुछ कुछ बेसिक चीजें रहती हैं जिसपे खुद वो आपको अज्यूम करनी होती है, जैसे कहीं कहीं पे आप परसेंटेज रिइंफोर्समेंट आप खुद अज्यूम करना होता है, तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिनिमम रिइंफोर्समेंट से ही डिजाइन करने लगते हैं ना, जो अगर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन निकालनी, कुछ होंगे क्या मिनिमम से थोड़ा ऊपर लेके कर लेते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन में जो आंसर होता है उसकी एक रेंज दी होती है, ठीक है, तो उसमें आंसर वेरी करते हैं जब आपका डाटा अजम्पशन वाला है, अगर तुम अजम्पशन की बात कर रहे हो, अनलेस एंड अंटिल वो कोड में स्पेसिफाई नहीं कि आपको इसी से ही करना है, इस डाटा से ही करना है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें लग रहा है कि ये नया टॉपिक है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या इसका जो मेथोडोलॉजी है ये पता नहीं कहाँ से बना के कर दी गई है, तो वो क्वेश्चन उठा के उसका एक बार टॉपिक बुक से पढ़ लो रदर देन नोट से, ठीक है। जैसे सपोज
एक जैसे सॉयल मैकेनिक्स में सैंड ड्रेन्स पे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, तो जो तुम्हारा कोचिंग मटेरियल होगा उसमें हो सकता है सिंपल सा एक न्यूमेरिकल दिया हो सैंड ड्रेन्स वाला, इसमें निकालते हैं ना हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी और वर्टिकल परमेबिलिटी दोनों का, हाँ, तो उसमें पैटर्न के हिसाब से निकालते हैं कुछ, है ना, जो याद होगा कुछ हेक्सागन टाइप का मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ करते हैं उसमें साइज हाँ, निकालते वो हैं जो रेक्टेंगुलर शेप स्क्वायर में बदलने के लिए रूट अंडर के एक्स वाई के वाई इंटू वाई वो वाला, हाँ 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 वही वही, तो जैसे ये कंसेप्ट है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है क्योंकि उन्होंने उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है। बैकग्राउंड का मतलब है कि न्यूमेरिकल आपने देखा, हाँ, आपने न्यूमेरिकल देखा, आपने स्टेप्स लिख लिए, ठीक है, तो जो अगर स्टेप्स लिख लोगे ना और फिर वो एग्जाम में अप्लाई करोगे तो जनरली गड़बड़ी हो जाती है बिकॉज आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और कन्वेंशनल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मतलब आंसर आने की प्रोबेबिलिटी, सही आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो जो भी आपको मेथोडोलॉजी बनानी है या क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है तो उसका अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सबसे पहले वो बुक से जाके उसको थॉरली क्लियर कर लो, ठीक है, तो इसका भी एक वो टाइम पीरियड बना लो कि सपोज जैसे सोम पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आप सोम में वो टॉपिक्स लिखते चलो जिसके न्यूमेरिकल आपने कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं या आप कहीं जाके बीच में फंस जा रहे हो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, है ना। जैसे आजकल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन आता है कि जिसमें सिंगल बीम होगी बट उसमें वन थर्ड पोर्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, दूसरे टू थर्ड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और बीच में कहीं लोड वर्टिकल लोड हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड लगा होगा, और फिर बोलता है कि आप इसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से करो, है ना, तो वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो सकता है, स्लोप डिफ्लेक्शन से भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसको दोनों मेथड से करके देख लो, ठीक है। तो अगर अगर इसमें तुम्हें नहीं पता प्रोसीजर क्या है तो आप इसमें कुछ लिख नहीं पाओगे अपने नोट्स में या कहीं, आपको उसके लिए थ्योरी पार्ट जाके देखना पड़ेगा कि उसका क्या स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, कि आपको जहां चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वहां पे आपको स्वे कंसीडर करना है, उस डेल्टा की वजह से दोनों एंड्स पर तुम्हारा क्या फिक्स्ड मोमेंट आएगा उसके हिसाब से फिर प्रोपोर्शनिंग करनी है मोमेंट्स की, है ना। तो जैसे सर, हाँ हाँ, तो सर जैसे ऑब्जेक्टिव में जैसे बना ले थे उस तरह का कन्वेंशनल में नहीं करना है, लेकिन सर आरसीसी में तो जैसे डिजाइन में तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो याद ही नहीं रहता कि नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या निकालना है। जैसे शूटिंग का डिजाइन हो गया तो उसमें सिंगल फियर डबल फियर मूवमेंट उसके बाद एरिया निकालते हैं, तो वो तो सर नोट डाउन करना ही पड़ेगा ना कि इस तरह का स्टेप है शॉर्ट में। हाँ नहीं नहीं उसके लिए, अच्छा तुम ये कह रहे हो, अच्छा ओके, स्टेप्स की बात कर रहे हो। हाँ स्टेप जैसे हो गया ये आरसीसी में हो गया तो वो तो कुछ इस तरह से मेरे ख्याल से तुम्हारे जो नोट्स वगैरह होंगे वो जो कोचिंग मटेरियल के उसमें तो ये सब मेरे ख्याल से दिया रहता है कि जब फुटिंग डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। हाँ दिया हुआ रहता है लेकिन एक सर शॉर्ट पेज में जैसे शॉर्ट नोट्स की तरह की कन्वेंशनल पढ़ लिए हैं, यहाँ दिक्कत है तो वो नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें उसकी जरूरत है, इसलिए जरूरत नहीं है कि जब आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने स्टार्ट कर दिए जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, आप भूल जा रहे हो, जिसको आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ समय रिवाइज करना है, ठीक है, तो उसको अपने जो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी पर मार्क करके रखो कि सपोज एक डिजाइन ऑफ फुटिंग का क्वेश्चन किया, आपको लग रहा है कि इसके इसके मुझे स्टेप्स रिवाइज करने हैं या मेरे को देख के जाना है एग्जाम से पहले कि मेरे को मिस ना हो कि इसमें कैसा कोई कंसेप्ट तो नहीं है या स्टेप्स क्या फॉलो कर, तो आप उसको मार्क करके रखो, ठीक है, मार्क करके रखोगे और जब आप रिवीजन कर रहे होगे या फॉर्मूला का रिवीजन या स्टेप, तो आप जब रिवीजन करोगे तो आप हमेशा अपनी वो बुक खोल के रखोगे, ठीक है, तो वो पॉइंट स्पेसिफिकली आप अपने नोट से देख लो क्योंकि जब आप अननेसेसरी इस चीज को हर जगह लिखोगे ना तो हर चीज आपको लिखनी पड़ेगी, और जब आप लिखोगे ना तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जितना ज्यादा आप मैटर बना लोगे उतना ज्यादा आपको, क्योंकि वही चीज हर जगह घूम घूम के लिखी हुई है दूसरे दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो आप जब रिवीजन करो अपने जो भी नोट्स हैं तो आपने मार्क करके रखा है कि मेरे को फुटिंग का देखना है कंसेप्ट क्या प्रोसेस है, तो वो फुटिंग के वहां से रिवाइज कर लो। और सर एक चीज और,
जैसे बिल्डिंग मटेरियल में तो सब सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, तो क्या सर उसको डायरेक्ट ऊपर से पढ़ ही लेना है या लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करना चाहिए? देखो हाँ ठीक है, जो देखो हम हमारी स्ट्रेटजी रहती थी जो थ्योरी पार्ट होता है ठीक है, अगर आप उसे स्टोरी फॉर्म में, स्टोरी इन द सेंस आप उसे कंसेप्चुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ोगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप का मतलब है आप लिख के नहीं पढ़ोगे, इफ यू विल रीड यू विल फॉरगेट, सिंपल सा फंडा है। जो चीज आप लिखते हो पढ़ने के साथ साथ, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो आप पढ़ने के साथ लिखते हो वो आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक और ज्यादा अच्छे से रिटेन रहता है, समझ गए? तो हाँ, तो भले ही तुम दो पेज की जगह एक पेज पढ़ो बट उसको इस तरह लिखना नहीं कि नोट्स बना रहे हो, इस तरह लिखना है कि यू आर जो आप रीड कर रहे हो वो आप लिख रहे हो शॉर्ट में। सपोज तब मैं आपको, जैसे आप पढ़ रहे हो ब्रिक्स का जो प्रोसेस है बनाने का वो पढ़ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स ठीक है, तो आप स्टेप्स लिख लो शॉर्ट में, पूरा नहीं लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स होगा फिर प्रिपरेशन ऑफ अर्थवर्क ब्रिक अर्थ में फिर आपका वेदरिंग डिगिंग और वो सारे जो स्टेप्स हैं ठीक है, तो वो शॉर्ट में लिखना है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है आपको प्रैक्टिस करते समय, लेकिन आपको कुछ बेसिक टर्म्स इस तरह लिखते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में अगर वो आप दिमाग में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग का एक टेंडेंसी होती है कि आपने वो रीड किया तो आप जब लिखोगे ना तो आपका फ्लो में वो लिख जाएगा। लेकिन आपके अगर मान लो वेदरिंग स्टेप ही भूल गए कि वेदरिंग, तो वो आपका एक मिस हो गया ना, तो फिर आपका दिमाग वो सोच ही नहीं पाएगा कि वेदरिंग के बारे में लिखना है ठीक है। तो जो थ्योरी, थ्योरी में लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ गड़बड़ी कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट उठाया ठीक है, ब्रिक्स पढ़ रहे हैं सपोज ठीक है, तो वो क्या करेंगे पूरा रीड आउट कर देंगे, अंडरलाइन भले ही करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और फिर होगा क्या उसको बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे वो ब्रिक्स दूर जाता जाएगा वैसे वैसे आपको भूलता जाएगा वो ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करके रखने हैं और पीरियोडिसिटी में रिवीजन करना है, दूसरा सब्जेक्ट जब चल रहा होगा तो तुम्हें एक हफ्ते बाद निकालना होगा और उसमें जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें तुम्हें डाउट रहता है भले तुम दो टॉपिक पढ़ो बट पढ़ो, समझ रहे हो ना, तो एक टाइम के बाद 3 महीने बाद तुम्हें लगेगा ना कि मेरा वो सब्जेक्ट भी मतलब मेरे को पता है, तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, और जहां पे जब ये लगने लगता है कि ना मेरे को थ्योरी में पता है मैं लिख लूंगा तो तुम लिख ले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ रही है यार मेरे को तो भूल जाता है मेरे दिमाग में यार ये चीज रिटेन, तो फिर एग्जाम में लिखोगे ना तो तुम्हारे पास पॉइंट्स ही नहीं आएंगे यार कि वो मिस हो गया दिमाग से, तो वो चीज नहीं होगी। पहले ऐसा ही होता था जैसे सोम स्टार्ट किए तो सोम का 170 बना देना है, फिर सोयल तो सोयल का, और पता चलता था कि पीछे सब धीरे धीरे गायब हो गया। हाँ तो वैसा नहीं करना है, वैसा वैसा नहीं करना है, आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके रखने हैं कि मुझे सेकेंड राउंड में क्या करना है, और जो पहले राउंड में आप कर रहे हो वो आपको जैसे आप जब आप खोलते हो ना बुक, चैप्टर भी खोलोगे ना तो आपको क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाता है कि आप ये कर पाओ, पढ़ के ही पता चल जाएगा कि आपको इसके स्टेप पता है, तो स्टेप पता होना और फिर प्रैक्टिस करना ठीक है, तो वो आपको करनी है, बट अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वापस से तो वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ देना है, वो आपको अगर टाइम मिले तो करना नहीं तो नहीं करना है। और ये जो तुम बता रहे ना कि ये पूरा एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया फिर दूसरा, ये ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा मतलब एवरेज हो जाएगा सबका। इसीलिए पहले मतलब ऐसे एक बार बना तो लिए हैं, लेकिन वही एक दिन 5 दिन बैठो एक सब्जेक्ट खत्म, नेक्स्ट 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म, और पता चला कि लास्ट में कुछ बचा ही नहीं फिर नहीं नहीं तो ये इम्पोर्टेंट है, जब वो तो जनरल टेंडेंसी आपको साइक्लिक टाइप के रिविजन्स करने होंगे, जिन टॉपिक्स को आपने आइडेंटिफाई करके रखा है वो आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहने होंगे, तो वो तो अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो कि एक हफ्ते बाद हमें जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए थे आज मेरे को वो सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, समझ रहे हो मेरी बात? यस। जैसे एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में तुमने मान लो बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रखा होगा, कुछ सोम पढ़ रखा होगा, तुमने स्ट्रक्चर्स पढ़ रखा होगा एक हफ्ते बाद ठीक है, और तुमने जैसे स्ट्रक्चर का तो समझ में आता है कि जैसे यहाँ यहाँ वीक पॉइंट है तो जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ये चीज पढ़ लेना है और उसका एक न्यूमेरिकल देख लेना, उसका तो सर रिवीजन आसानी तो हो जाता है, लेकिन बीएमसी जैसा सब्जेक्ट है
और सीपीएम पट का जो लास्ट इक्विपमेंट है और मैं समझ गया तुम्हारी बात समझ गया। तो थ्योरी का मैंने बताया ना, थ्योरी हमेशा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, एक बार सिलेबस देखो ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जिस सीक्वेंस में सिलेबस है उसी सीक्वेंस में तुम अपने चैप्टर्स पढ़ते रहो ठीक है। तो जैसे मतलब वो जो तुम्हारा हाँ कन्वेंशनल का जो तुम्हारा सिलेबस दिया होगा ना कि क्या क्या टॉपिक्स हैं ठीक है, तो टॉपिक्स की उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं वो अलग क्या? नहीं 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 नहीं, दो चीजें हैं, एक तो जो टॉपिक्स वो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वहां से पता चलेगा, और दूसरी चीज वो है कि जो तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, सपोज जैसे दिया होगा ब्रिक्स टिम्बर मोर्टार, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको एलाबोरेट करके दिया होता है कि इसमें प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग भी पढ़नी है, इस टाइप के होते हैं, जैसे सीमेंट लिखा होगा फिर लिखा होगा उसकी प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग भी है ठीक है ना। तो एक बार जब पहली बार पढ़ोगे, मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ कि जब पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ठीक है, और जब आप पढ़ लोगे जैसे ब्रिक्स है, अब तो पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो, तो अब जब ब्रिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ब्रिक्स में ये टॉपिक, तो ब्रिक के पहले चैप्टर के ऊपर ही लिख लो कि ये टॉपिक्स मेरे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इनको मुझे साइक्लिक रिवीजन के टाइम पे एक बार देखना है, सपोज टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स हो गया ठीक है। अब वो तुम बार बार वही चीज पढ़ रहे हो कि ब्रिक का साइज इतना होता है, ब्रिक्स में फ्रॉग इतना होता है, कब हम फ्रॉग देते हैं, तो ये चीजें बार बार नहीं पढ़नी है ठीक है। और रिवीजन बहुत जरूरी, थ्योरी पार्ट का वो सिस्टम बना लो कि आपने ब्रिक्स बिल्डिंग मटेरियल 15 दिन पढ़ लिया, उसका जब दूसरा थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सपोज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पढ़ रहे हो ठीक है, तो एक हफ्ते बाद वापस एक दिन फिक्स कर लो कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट पहले तीन चार तुमने पढ़ रखे होंगे ना 20-25 दिन पहले, मतलब पहले राउंड वाले, वो उन सब्जेक्ट्स का एक हफ्ते बाद रूटीन बना लो कि 3-3 घंटे हमें इनका रिवीजन करना है, उस दिन भले ही तुम जो तुम्हारा सेकंड राउंड का सब्जेक्ट चल रहा है उनको ना पढ़ो वो चलेगा, लेकिन आपको जो पहले तीन सब्जेक्ट जो पहले राउंड के थे उनको एक हफ्ते बाद, दूसरे राउंड के एक हफ्ते बाद आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद उनको आपको 2-2 घंटे करके रिवाइज करने, रिवाइज में क्या करना है जिसमें आपको दिक्कत थी या जो चीजें आप भूल जाते हो या एग्जाम में पूछी जाती हैं, समझ गए। अगर वो नहीं और टाइम ज्यादा नहीं करना, मतलब अब एक महीना कर दोगे फ्रिक्वेंसी तो फिर वही पोजिशन होने लगेगी जो अभी हो रही है, समझ गए। तो इन चीजों पे काम करो हो जाएगा, होता क्या ना वो हाँ। ये तो हो गया सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या उसमें? ऑब्जेक्टिव का लिए तो मैंने जैसे बताया था तुमको, ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे देखो, ऑब्जेक्टिव में तो जैसे आप तो बताएं कि जैसे सब्जेक्टिव करना है, लेकिन यहाँ पर तो मामला है कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ में करना है। देखो देखो ऑब्जेक्टिव देखो, जब जैसे थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट जब आप कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्टिव का एक तरीके से कवर हो रहा है ना, कवर हो गया, लेकिन जब सब्जेक्टिव आप करते हो तो सब्जेक्टिव में भी कुछ पार्ट तो ऑब्जेक्टिव का कवर हो ही जाता है, बिकॉज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो आप है ना। तो ऑब्जेक्ट जब आप मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशली फोकस कर रहे हो तो आपको साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ठीक है। तो जब तुम सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसी में से, क्योंकि तो जैसे तीन या चार सब्जेक्ट तुम लेके चल रहे हो तो दिन में सिर्फ 2 घंटे निकालो ठीक है, 2 घंटे निकालो और 2 सब्जेक्ट्स के 2 या 3 सब्जेक्ट्स के उन्हीं 2-3 सब्जेक्ट्स के अलावा, मतलब अगर तुम जैसे बीएमसी कर रहे हो, सोम कर रहे हो, स्ट्रक्चर कर रहे हो ठीक है पहले राउंड में, तो तुम 2 घंटे दिन के वो फॉलो करो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स लेके उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, हेलो यस सर हाँ समझ आया ना जो और मतलब, सर एक हाँ, और हाँ, कंफ्यूजन था कि जैसे हाँ, सर स्टील का है तो एक स्टील का पुराना वाला कोड है, एक नया वाला है हाँ, तो उसमें सर नया वाला कोड पढ़े या पुराना पढ़े या दोनों पढ़े, क्योंकि जेपीएससी के हिसाब से तो सर वो क्या पूछ देगा कोई ठीक ही नहीं है। अच्छा ओके, तो ये प्रॉब्लम तो सिर्फ स्टील में होगी मेरे ख्याल से, बिकॉज आया हाँ, 456 का तो नया ही कोड फॉलो करना है ठीक है। तो देखो देखो जो हमारा लिमिट स्टेट का भी नया कोड है वो टोटली मुझे लगता है लिमिट स्टेट पर ही बेस्ड है
है ना। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि यू हैव टू फॉलो लिमिट स्टेट मेथड, तो आपको लिमिट स्टेट में नए वाले कोड से ही करना है, और कुछ पार्शियल सेफ्टी का फैक्टर्स और कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं जो आपके नए कोड में ही है, ठीक है, जो मतलब दी रहती है क्वेश्चन को करने के लिए। से वेल्डिंग है उसमें गामा एम नॉट टाइप का कुछ पैरामीटर कर दिया, तो वहां से वो इंडिकेटिव होता है कि आपका लिमिट स्टेट से करना है, ठीक है। और अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करना है तो फिर तो तुम्हारा 1984 का कोड ही यूज होगा, वो तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना, तो कोड तुम्हें दोनों पढ़ने पड़ेंगे। अगर वर्किंग स्ट्रेस, अगर तुम्हारा सिलेबस देख लो, अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और वो दोनों है कोर्स में, तो तुम्हें एक बार दोनों देखने पड़ेंगे। अगर सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड है स्टील में, तो फिर नए कोर्स से काम चल जाएगा। सर जो जैसे सब्जेक्ट में जो फालतू टॉपिक होते हैं, जैसे जो कोचिंग वगैरह में नहीं कवर किए जाते हैं, क्या वो सर वो मतलब पढ़ते समय प्राइमरी पर्पस होना चाहिए या नहीं? नहीं 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 नहीं, वो देखो, तो इसीलिए मैंने बोला कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो आपको टॉपिक और वो आइडेंटिफाई करके रखने हैं, ठीक है। तो 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि वो टॉपिक बहुत ही कम पूछा जाता है या उससे क्वेश्चन कम आते हैं, है ना। तो वो टॉपिक्स को मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी, पढ़ना है बट वो अपने लास्ट फेज में रखना है, ठीक है। जैसे बीएमसी में पेंट वगैरह सब हो गया, तो उसमें हाँ पेंट जैसे सर एग्रीगेट ही और वाटर तक इम्पोर्टेंट है बीएमसी में, टिम्बर सीमेंट कंक्रीट, और उसके बाद जो फेरेसमेंट हो गया, फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, तो वो तो एक बार रीडिंग जरूरत है, उसके बाद तो उतना है नहीं उसमें। नहीं नहीं उतना जरूरत नहीं है, बट हाँ कवर करना है जरूर, बिकॉज उसमें भले ही एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो ऐसा ना हो कि तुम उसमें कुछ भी ना लिख पाओ, ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको एक बार कवर करना है, बट उसको इस तरह इम्फोसिस नहीं करना है कि वो एट रैंडम होता है, कभी दे देता है क्वेश्चन, कभी नहीं देता है। तो पढ़ना जरूर है, बट आपको इतना थोरो में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें पेंट में दो तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो पेमेंट का जो कंपोजिशन है, सारे इंग्रेडिएंट्स के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, कितने कितने टाइप के पेंट्स होते हैं, और एक तीसरा और एक पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन का है जो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, उसको पढ़ता है। ये तीन ही टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है, पेंट का कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, और ये इसका जो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन है। ये टॉपिक्स पढ़ लो, मेरे ख्याल से दुग्गल ने बहुत अच्छे से किया है, 7-8-10 पेज ही है, तो उनको एक बार पढ़ लो। और जब बुक से पढ़ते हो ना, तो बुक्स में जब अंडरलाइन करते हो ना, तो एक पेन से अंडरलाइन मत करो, उसमें आप मार्कर्स ले लो। मार्कर में होता है क्या, पूरा तुम्हारा येलो और ग्रीन इस टाइप का होता है, तो लाइट शेड के मार्कर दो तीन तरीके के रखो, एक मार्कर से यूज करोगे तो गड़बड़ होगा, गड़बड़ इस तरह से होगा, आप रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्या पढ़ना है दोबारा क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब थ्योरी भी दोबारा पढ़ रहे हो ना, तो आपको पूरा नहीं थ्योरी पढ़नी है, आपने जो अंडरलाइन किया, जो आपको लगता है कि दैट इज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको दोबारा वही रिवाइज करना है, अननेसेसरी पूरा लाइन आपको नहीं पढ़नी है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ क्या कह रहे हो, मतलब उसमें अंडरलाइन तो सब जितने भी है, मतलब जो लग रहा है कि नहीं आता सब अंडरलाइन हो गया है बीएमसी में। हाँ, तो मतलब उसमें कलर कोडिंग टाइप करके रखो, जैसे मैं जब पढ़ता था ना, तो मैं 3-4 कलर करके रखता था, ये जैसे रेड कलर, या मैं रेड कलर पर, मैं रेड जनरली पेन से यूज करता था, रेड पेन, ग्रीन पेन और ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 4 कलर मार्कर्स में क्या होता है, पूरा लाइन वो हो जाती, कलर हो जाती, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि जो वर्ड्स लिखे वो तो क्लियर होने चाहिए ना। तो आप लाइट पेन आते हैं, डॉट पेन आते हैं, उनको आप ले लो, 3 पेन ले लो, उसमें जैसे आपका ब्लैक है, तो ब्लैक आपका कम से कम यूज होगा, और जो रेड होगा वो पॉइंट्स होंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट है उससे रिवाइज करना, उससे क्या होगा ना, जो बार बार आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, वो सब आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं और उनमें आप इम्प्रूवमेंट करते रहो, लग रहा है कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपने नोट पे ट्रांसफर करें, आप नोट खोल के साथ में रखो और पढ़ते वक्त लिखते रहो, ठीक है। और अंडरलाइन आप पूरा सब नहीं करना है, अंडरलाइन वो करना है कि जो आपको लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, जो कि आपको सेकंड राउंड में रिवाइज करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में ही सेकंड की तैयारी करके रखनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा, इन द सेंस आपको पूरा फिर से वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपका तो टाइम ज्यादा जाएगा ना। मान लो पहली बार आपको 2.5-3 घंटे लग रहे हैं ब्रिट खत्म करने में, ठीक है, मतलब रीडिंग करने में, तो सेकंड राउंड में वो 1-1 घंटे में हो जाना चाहिए, इस तरह का आपको, बिकॉज सारी चीजें लिखी है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, पढ़ना आपको रीड आउट पूरा करना है, बट दिमाग में रखने के लिए जो लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
वो आपको अंडरलाइन करके रखनी है अलग कलर से। कुछ लाइनें होंगी जैसे आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और कुछ लाइनें होंगी जो आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इस तरह आपको कैटेगराइज करके रखना है और जो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो सब अभी तक अगर दोनों प्रैक्टिस करो तो सबसे अच्छा ये है कि जैसे तुम तीन सब्जेक्ट लेके चल रहे हो कन्वेंशनल प्रैक्टिस में तो दो सब्जेक्ट ले लो ऑब्जेक्टिव के लिए, दो या तीन सब्जेक्ट भले ही दो घंटे पढ़ो बट जो सब्जेक्ट का कन्वेंशनल कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव मत करो। तो उसमें भी अलग, उसमें भी अलग। सपोज जैसे सोम लिया, बिल्डिंग मटेरियल्स लिया और सर्वे ले लिया, तो जो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप दूसरे दो सब्जेक्ट क्यों उठाओ, क्योंकि आपने अभी उस फेज में हो क्योंकि तुम पहली बार नहीं पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। अगर जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जो तीन सब्जेक्ट चल रहा है उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, बट तुम अभी इस फेज में हो उसमें ऑब्जेक्टिव तुम दूसरे सब्जेक्ट करो। इसका मतलब चार, दो अगर कन्वेंशनल लिए तो दो ऑब्जेक्टिव, टोटल चार सब्जेक्ट। हाँ, तो तुम्हारे चार सब्जेक्ट हमेशा रोटेशन में रहेंगे और तुम हर 7 दिन या 10 दिन में तुम साइकिली टाइप का रिवीजन करते रहो कि आज भाई मैं संडे है सेकंड राउंड के सेकंड मतलब संडे में मैं जो मैंने दो सब्जेक्ट कन्वेंशनल प्रैक्टिस की तो उसकी जो अगर थ्योरी वाला पार्ट है तो थ्योरी रिवाइज करनी है और कन्वेंशनल है तो उसका जो डाउट्स वाले टॉपिक थे वो पढ़ने हैं और जो फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज करने हैं। इस तरह करना होगा तुम्हें, अदरवाइज वो तुम्हारा रिटेन नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे टाइम के साथ भूलता जाएगा और फिर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा और वो खत्म कर दो कि एक सब्जेक्ट उठाया और फिर पूरा खत्म कर रहे हैं, वो पता नहीं कौन बताया है वो सब वही फॉलो कर रहे हैं, उससे होता है कि वो भूल जाता है। सर मैं पता नहीं ना चल पा रहा था इसलिए मतलब हर 20 दिन बाद नया रूटीन ऐसे पढ़ना नहीं तो तुम्हारा फिर पता क्या होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा ना तुम्हारा हर 10 दिन में देखोगे तुम अपना मेथड ही चेंज कर रहे हो पढ़ने का। हाँ सर ऐसा ही हो रहा था पिछले एक महीना से 20 दिन बाद रूटीन चेंज, फिर लगा कि नहीं इससे तो भूलते जा रहे हैं फिर अलग चेंजिंग फिर लग रहा है। जैसे अभी बताया ना वैसे करो और तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो दो दो सब्जेक्ट से करो क्योंकि एटलीस्ट 10-12 घंटे तो पढ़ रहे हो, पढ़ना होगा। अगर मेंस है तो 10 आवर्स की स्टडी तो मस्त है एटलीस्ट एग्जाम से 3 महीने पहले, क्योंकि सिलेबस रिवाइज करना है कवर करना है। ठीक है, कन्वेंशनल में अन्य 3 रिपीटिवली क्वेश्चंस नहीं करने हैं नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अगर जैसे तुमने मेंस के क्वेश्चंस खत्म कर दिए सब्जेक्टिव के, ठीक है मान लो किसी सब्जेक्ट के सोम के तुम्हारे खत्म हो गए जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस को हटाकर, है ना, एक महीने बाद तुम्हें लगेगा सोम और स्ट्रक्चर मेरा खत्म हो गया है अगर तुम दो सब्जेक्ट लेके चल रहे थे। ठीक है, तो फिर क्या करो जब तुम्हारा रिवीजन वाला टाइम आएगा ना, जब तुम रिवीजन करो अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो बुक के सॉल्व एग्जांपल्स रैंडमली जिन टॉपिक्स पे तुमने नोट डाउन करके रखे हैं ना, जो टॉपिक्स में जिन पे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे या डाउट, उन चैप्टर्स के पीछे जाके सॉल्व क्वेश्चंस जरूर ट्राई करो रिवीजन के वक्त जब रिवीजन कर रहे हो एक हफ्ते में 10 दिन में। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना तुम्हारे नए क्वेश्चन, क्योंकि ईएस का क्वेश्चन तो ठीक है बिकॉज होता क्या सारी फैकल्टीज जो एग्जाम प्रिपेयर क्वेश्चन बनाती है वो तो अलग अलग फैकल्टीज रहती है, एक सब्जेक्ट के लिए एक रहेगा, है ना, तो कोई होता है क्या वो बुक से ही बना के दे देता है क्वेश्चन, कुछ होता है।